First of all, myself, Sandeep Sharma. Today again going to present a video on basis of library activities. So this is a book made by me, my book of innovative library activities. हम देखते हैं अब आगे इसमें क्या क्या है. ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो लाइब्रेरीज में काम करते हैं, क्योंकि आप मोस्टली YouTube या कहीं पे भी सर्च मारोगे तो आपको लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है. एक्चुअली मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मोस्टली द मटेरियल अवेलेबल ऑन द नेट इज़ बेस्ड ऑन द रीडिंग बुक्स ओनली. सो आई प्रिपेयर दिस फाइल कम बुक फॉर यू ऑल हु वॉन्ट टू डू समथिंग इनोवेटिव इन द लाइब्रेरी फील्ड. सो लेट्स स्टार्ट My book of innovative library activities by myself, Sandeep Sharma. Open this first page. First page is just a profile of me as a librarian cum administrator, my designation librarian, my qualification, and I'm presently working in a GEMS Cambridge International School of Hoshiarpur, Punjab. ये मेरा Facebook page है. अगर कोई इसको like करना चाहता है ताकि वो मेरी पिक्चर्स या मेरी और वीडियो सब्सक्राइब कर पाए तो वो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकता है. सी प्रॉपरली, दिस इज़ माय ईमेल आईडी. इफ़ एनीवन वांट टू टॉक विद मी ऑन मेल देन ही और शी कैन सेंड अ वीडियो ऑन दिस ईमेल आईडी. माय वर्क एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन फील्ड इज़ रिलेटेड टू 13 ईयर्स. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप, माई स्कूल प्रोफाइल वेयर आई एम presently working with the GEMS Cambridge International School Hoshiarpur, Punjab. This is a co-educational school and this is on the bypass of Jalandhar to Fagwada, and the name of the chairman is Shri Sanjeev Kumar Vasal ji and CEO Shri Raghav ji, and principal name is Shrimati Vaishali Sharma ji. और ये हमारा स्कूल का पेज है. अगर कोई हमारे स्कूल के पेज को लाइक करना चाहता है for more information he or she can like from the following link. See this cishoshiarpur.com, and this is our school phone number. If anybody want to talk with me then he or she can use this number regarding the library activities, not other. So we move to next page. This is a brief description of my library activities. Hindi fiction reading day description, crossword description, GK activity description, searching the difficult words from student tribune newspaper, uski description hai ye, full form of important acronyms uski description hai ye. To ye national parks in India description, motor vehicle act 2019 uski description, चंद्रयान 2 उसकी डिस्क्रिप्शन, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट्स, हिडन फैक्ट्स बिहाइंड फेस्टिवल दशहरा. दिस इज जस्ट लाइक अ जीके एक्टिविटी. नेक्स्ट, रैकलेस ड्राइविंग और एक्सीडेंट्स उसके रोकने के तरीके, और उसके आगे हिंदी स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, टेबल मैनर्स. बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल मैनर्स, क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे बच्चों को टेबल मैनर्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. चिल्ड्रन डे की सेलिब्रेशन फेस्टिवल और चिल्ड्रन डे को बच्चों को अच्छे ढंग से इंजॉय करना, और उसमें क्या क्या होता है उसकी इम्पोर्टेंस, उसके फैक्ट्स बिहाइंड और उसकी हिस्ट्री बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट, बुक क्लब्स करने, बुक क्लब बच्चों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक अवेलेबल करवाना, करंट अफेयर्स एक्टिविटी जो दुनिया में हो रहा है उसकी नॉलेज देना, तो वर्कशॉप लगाना बच्चों के लिए, बुक फेयर लगाना बच्चों के लिए, और लेटेस्ट टॉपिक कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन दी है मैंने. नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा, अगर उनके एग्ज़ाम पास आ गए हैं तो उनको मार्क्स क्योर करने की टिप्स देना, और टेंशन से बचने की, बेटर हेल्थ की टिप्स देना. नाउ हम इसके आगे अब इसके ब्रीफ में जाएंगे हर एक्टिविटी के. पहले उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और उसके बाद में उसकी पिक्चर्स होंगी. फर्स्ट एक्टिविटी, फुल फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट एक्रोनियम्स. एक्रोनियम्स क्या होते हैं बच्चों के लिए? आजकल
मीन्स कि आप बोलो कि आपको किसी की फुल फॉर्म बताओ तो बहुत मुश्किल है कि बच्चों को उसके बारे में पता हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों को किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म्स बताना, ताकि ये उनके फ्यूचर में उनकी कंपिटिशन्स और कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चे अवेयर होते हैं कि किस चीज़ का नाम एक्चुअली क्या है, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और देर आर लॉट ऑफ अदर एक्रोनियम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, और बहुत सारी ऐसी हैं कि बच्चों को उनके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वो है क्या। सो ये मेरी पिक्चर्स हैं कि मैं उनको बोर्ड पे, ये देखिए, फुल फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या कौन सी होती हैं। प्लीज़ ये देखिए, ये फुल फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है बोर्ड पे, और उनको मैं इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूँ बच्चों को। सेकंड एक्टिविटी, हिंदी फिक्शन रीडिंग दे। लैंग्वेज हमारे लिए हर कोई इम्पॉर्टेंट है, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमारे लिए हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है अगर हम इंडिया में रहते हैं तो। तो ये एक हिंदी फिक्शन रीडिंग डे ऐसा होता है कि इसमें हम एक स्टोरी उनको एक बना के दिखाते हैं, जब कोई स्टोरी बनी बनाई उसमें उसको करेक्टर्स देते हैं बच्चों को, और वो उसकी तरह एक्ट करते हैं और बोलते भी टोटली हिंदी में है, चाहे वो इंग्लिश स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, बट उनको हिंदी में ही बात करनी है। तो इससे उनकी थोड़ी बेसिक स्ट्रॉन्ग होती हैं, और उनको हिंदी बुक्स ही उस दिन पढ़ने को दी जाती हैं, और बच्चों को स्टोरी टेलिंग करवाई जाती है, और उनके कैसे हिंदी स्टोरी को क्रिएट करते हैं, हमारी थिंकिंग कैसे चलती है, इसके बारे में बताया जाता है। ये पिक्चर है उनकी, ये आई थिंक स्टोरी करवाई थी उनको, एक मिनट पीछे जाके देखते हैं, ये हमने स्टोरी करवाई थी चिड़िया घर का नाई, तो उससे रिलेटेड करेक्टर्स थे इसमें। आप देखोगे जानवर, भालू, खरगोश, जिराफ, चिंपैंजी, शेर, तो इसके बारे में बच्चे ये स्टोरी रीड करते हुए हिंदी फिक्शन की बुक्स की, और ये मैं उनको स्टोरी कैसे लिखनी है या उनके करेक्टर्स कैसे होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सो मूव टू नेक्स्ट, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। हमारी कंट्री में बहुत सारी नेशनल पार्क्स हैं जिसके बारे में बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती, और उनमें कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, ट्रीज़ कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, उसके बारे में बताना भी एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी की एक्टिविटी है। तो आप बच्चों की जीके इन्हांस करने के लिए नेशनल पार्क से टॉपिक चुन सकते हो, ताकि बच्चों को उसके बारे में बताया जा सके। ये देखिए, कॉबर्ट नेशनल पार्क, जिम कॉबर्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे पिछले दिनों बेयर ग्रिल्स, अमेरिकन एडवेंचरिस्ट और प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे गए थे जिम कॉबर्ट नेशनल पार्क में, और बहुत सारी और भी पार्क्स हैं जिसके बारे में ये बताया गया है। तो इसके बारे में, पार्क्स के बारे में आप बच्चों को बता सकते हो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है एक। नेक्स्ट, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज अगेन से, जनरल नॉलेज में हम स्पेस को टॉपिक चुना है, इसमें स्पेस के बारे में बच्चों की ओवरऑल नॉलेज को इम्प्रूव करना इस एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो स्पेस, स्पेस के बारे में देखिए, ये अबाउट स्पेस उनको बताया गया है इस एक्टिविटी में। सन, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट होता है, वो सन है, और देयर आर रबिनस, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे पहले स्पेस में जाने वाला पर्सन नील आर्मस्ट्रांग, और यूरी गैगरिन, देयर आर लॉट ऑफ मर्करी, वीनस, जिनमें मून नहीं होता है, ये ऐसे प्लैनेट है। तो इसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में उनको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना भी एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी एक्टिविटी है। सर्चिंग द वर्ड फ्रॉम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर। दिस एक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन द सर्चिंग द डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम अ ट्रिब्यून न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। इसमें हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग अ ट्रिब्यून टू एवरी स्टूडेंट, और वन पेज टू एवरी स्टूडेंट। वी टोल्ड टू स्टूडेंट दैट टू सर्च आर सम डिफरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड नोट डाउन ऑन द नोटबुक्स। तो मैं वो बोर्ड पर लिखता हूँ वो वर्ड्स और उनके मीनिंग लिखता हूँ। तो ये बच्चों की वोकैबुलरी स्किल्स को एनहांस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप भी अपनी लाइब्रेरी में इस प्रकार की एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये देखिए, हर बच्चे के हाथ में यहाँ पे न्यूज़पेपर है ट्रिब्यून का, और बच्चे उसमें से बर्ड ढूंढ रहे हैं, और ये मैं भी ढूंढ के बोर्ड पे उन वर्ड्स को लिख रहा हूँ, ताकि बच्चों को उनका मीनिंग पता चले और वो नोट डाउन करें अपनी नोटबुक पे कि जो उन्होंने आज जिस वर्ड का मीनिंग किया है। सो नेक्स्ट, जूनियर क्रॉसवर्ड।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसकी वजह से स्कूल में मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर को पॉपुलर कर दिया है और हर बच्चा ये एक्टिविटी को खेलना चाहता है। इसमें क्या होता है कि एक क्रॉसवर्ड पज़ल होती है जिसमें कि हम डाउन और अक्रॉस उनमें वर्ड्स फिल करने होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, बच्चों को प्रॉपर पता चलता है कि कौन सा वर्ड कितने अल्फ़ाबेट्स का है। सपोज़ आप किसी को बिलीव लिखने को बोलोगे तो BELIVE, ये स्पेलिंग बच्चे मोस्टली लिखते हैं, बट उसके स्पेलिंग एग्जैक्ट में क्या होते हैं, BELIEVE। सो 3 E इज़ ऑलवेज इन द बिलीव, तो बच्चों को नहीं पता होता। इस एक्टिविटी से उनकी ये वोकेबलरी स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं कि कौन से वर्ड्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। ये देखिए, मैं आगे दिखाता हूँ पिक्चर इसकी। ये देखिए, बोर्ड पे क्रॉसवर्ड बनाया हुआ है और बच्चे वो पज़ल सॉल्व कर रहे हैं सारे, और मैं बीच में पूछ रहा हूँ कि इस वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कुछ बच्चे हाँ या ना बता रहे हैं। ये गर्ल्स हैं, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रही हैं काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल के। तो दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, हर कोई इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है अगर उसको समझ आ जाए तो। उनकी वोकेबलरी को एनहांस करने के लिए बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटी है और ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है और आई थिंक मेरे स्कूल के बच्चों की भी। मोटर व्हीकल एक्ट, अभी रिसेंटली एक मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है जिसमें पनिशमेंट में काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है, उस फाइन में भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है, माइनर को 25,000। और इन रूल्स को बच्चों को बताना बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चों को पता हो कि मोटर व्हीकल चलाना, उनकी एज लिमिट क्या है और उनको कौन कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ करनी है रोड पे चलाते टाइम। तो ये बच्चे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में लिख रहे हैं, ये मैंने पूरा चार्ट बनाया था बोर्ड पे कि किस ऑफेंस की कितनी पनिशमेंट लगेगी, तो सभी बच्चे अवेयर हुए कि हाँ हमें ये नहीं चलाना चाहिए क्योंकि काफ़ी फाइन पहले से बढ़ चुके हैं। दैट इज़ अ गुड स्टेप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द डेथ रेट्स इन एक्सीडेंट्स, बहुत अच्छा एफर्ट था। नेक्स्ट, Chandrayaan-2 बाई इसरो, दिस इज़ अ ऑल्सो अ वेरी वंडरफुल वर्क विच हैव इंडिया डन एंड डन थ्रू द इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें Chandrayaan-2 को लॉन्च किया गया था जिसमें लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर इसके 3 पार्ट थे, और इसको मैंने बोर्ड पे एक पहले बनाया पूरा Chandrayaan-2 के पार्ट्स और उसकी लॉन्चिंग व्हीकल जो कि GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। तो ये देखिए, ये बोर्ड है जो मैंने वहाँ पे बनाया था पूरा, और इसकी रियल सैटेलाइट इमेजेस को भी मैंने प्रिंट आउट किया था कि बच्चे इसको देखें कि ऊपर से हमारी इमेजेस अर्थ की कैसी आती हैं। ये बच्चों के लिए बनाया था और मैंने ये अकेला अकेला बच्चों को समझाया कि व्हाट इज़ द ऑर्बिटर एंड व्हाट इज़ द लैंडर, रोवर, विक्रम, GSLV Mark 3 क्या है, लॉन्चर क्या होता है, और इसकी सक्सेसफुल रेट भी बताई थी। तो आगे हम मूव करते हैं स्टोरी टाइम, ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। स्टोरी टाइम, बच्चों को एक स्टोरी क्रिएट करने का मौका देना, तो मैंने कंपटीशन करवाया था कि बच्चे एक स्टोरी लिख के लाएंगे, और ये मैंने टॉपिक दिए थे एक ट्रिप दैट इंक्लूडेड समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग, अ टाइम व्हेन यू वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क, ए मेमोरेबल एक्सपीरियंस विद अ फेवरेट फैमिली मेम्बर, द डे दैट यू गॉट योर फर्स्ट पेट, द मोमेंट व्हेन यू मेट समवन हु चेंज्ड योर लाइफ, व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग यू हैव एवर सीन। तो बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए इसमें, मुझे अबाउट मोर देन 80 स्टोरीज कलेक्ट की थी मैंने। तो स्टोरी राइटिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्टोरी टाइम बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो यार, ये विनर थे हमारे स्वास्तिक, सौम्या, यथार्थ और शिवेन, तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ये हमें हर स्कूल में मोस्टली हमें करवानी चाहिए बच्चों के लिए। इसमें उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और उन्हें अवार्ड थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट एक्टिविटी है अमेजिंग बेनिफिट ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट, जैसे कि योगा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये स्पेशल सेशन मैंने लगाया था कि योगा हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करता है। तो इसमें बच्चों को काफ़ी टिप्स बताए थे योगा के, तो बच्चों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इस एक्टिविटी को, और एटलीस्ट कई बच्चे उसमें से हर रोज़ 10 मिनट निकालने स्टार्ट कर दिए उन्होंने,
योगा के लिए। तो ये पिक्चर्स है उस एक्टिविटी की, योगा एक्टिविटी की। नेक्स्ट, ये हिंदी स्टोरी राइटिंग। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इंग्लिश के साथ हिंदी को भी पूरा टाइम देना चाहिए, तो ये हिंदी की लैंग्वेज के लिए मैंने एक्टिविटी करवाई थी। इसमें भी सबसे बड़ी प्रतिभा, पहला पालतू पशु पक्षी मिला, पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिले तो क्या करोगे, अगर दुनिया के इंचार्ज होते तो दुनिया को कुछ हाल बनाने के लिए क्या करते, दुनिया किस देश में जा सकते हैं तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो ये एक टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसमें बच्चों को ओपन एंड कन्वर्सेशन मीन्स बहुत ज़्यादा खुले दिमाग से सोचने का मौका मिले और वो खुद स्टोरी क्रिएट करें। तो ये खुद टॉपिक देने पड़ते हैं उनको कि कुछ बहुत सेपरेट, कुछ डिफरेंट सा सोचें और रियलिटिक, एक रियलिस्टिक सोच को अपने पेज पे उतार दें। सो नेक्स्ट, रैकलेस ड्राइविंग। जैसा कि ये भी एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में डेथ का, तो डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए बच्चों को ये इसके सिम बताना पड़ता है कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण क्या हैं और कितने लोग मर रहे हैं हर रोज़, उसके रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सेशन लगाया था, ये इसके बारे में बच्चों को नॉलेज दी कि आपको व्हीकल स्लो चलाना चाहिए, हेलमेट डाल के चलाना चाहिए, और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो सीट बेल्ट डालें पूरे टाइम पे, और व्हीकल कितनी स्पीड पे चलाना चाहिए। तो इसके बारे में बच्चों को नॉलेज दी। टेबल मैनर्स, ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है आप आज के टाइम में। बैठ के कहीं पे हम बाहर जाते हैं तो हमारी मैनर्स क्या होती हैं खाने की, दूसरे लोगों के सामने अगर हम कैसे खाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डालता है। तो मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी जिसमें उनको यूटेंसिल्स को पकड़ना, नैपकिन एटिक्वेट्स और कहाँ कैसे बैठना है, तो ये बताया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, कैसे हमें सर्व करना है जब हम एक टेबल पे बैठे हैं, किस वे से किस पोजीशन में हमें सर्व करना है, हमने कहीं जाना है तो हमने स्पून कैसे रखने हैं, अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं बीच में ब्रेक के लिए जा रहे हैं तो हमने कैसा जेस्चर शो करना है, कैसे स्पून रखने हैं ताकि दूसरे को पता चले कि हमने खाने के लिए वापस आना है, तो कैसे हम फिनिश कर चुके हैं तब कैसे स्पून प्लेट में रखते हैं। सो दी ये एटिक्वेट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेरा जो मैंने बच्चों को कवर कराया। बुक क्लब, बुक क्लब होता है कि बच्चे कोई अपनी चॉइस की बुक्स ले सकते हैं। ऑर्गेनाइज द बुक क्लब किया था कि बच्चों को अपनी रीडिंग के लिए प्यार पैदा हो और जो बुक्स वो मांग रहे हैं उनको मैंने अवेलेबल करवाई, तो उनके ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये उनकी पिक्चर थी बुक्स देते टाइम और बच्चों की बुक्स के साथ उनकी। तो नेक्स्ट, चिल्ड्रन डे। जैसा कि चिल्ड्रन डे है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो मैंने एक चिल्ड्रन डे अपनी लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज़ किया सेपरेट से, जिसमें बच्चों ने अपने सब ने अपनी प्रेजेंटेशन दी, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन दी, और उसमें एक मैंने म्यूज़िकल उनकी एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िकल प्रेजेंटेशन रखी थी, जिसमें कि दो बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी म्यूज़िक की, देवीज और अक्षित मल्होत्रा ने। तो खैर आपको नाम से तो, बट एक्चुअली मेरा मोटिव तो यही है कि रियलिटी में ये हुआ है तो मैं नाम इसलिए साथ में ले रहा हूँ। तो ये है, काफ़ी बच्चों ने सबके पहले लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से सुना, चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है, और ये बच्चे अपने अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हुए बाकी बच्चों के सामने, और ये लास्ट में म्यूज़िक परफॉर्मेंस दे रहे हैं अक्षित और दिविज। तो ये इस प्रकार की एक्टिविटी से लाइब्रेरी में इंटरेस्ट पैदा होता है, और लाइब्रेरी में इंटरेस्ट पैदा होता है तो नेचुरली रीडिंग के लिए भी इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये आपके लिए थी। नेक्स्ट वन इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर अगेन, इसरो ने मैन मेड मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की है जिसका नाम है गगनयान, और साल्ट लेक, सांबर लेक के बारे में माइग्रेटरी बर्ड्स की वहाँ डेथ हुई थी 18,000, तो उसका सिम्टम क्या था, कॉज क्या था, ये करंट अफेयर की नॉलेज बच्चों को देनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की थी। ये फर्स्ट जो मैन मेड मिशन है उसके लिए रशिया में ट्रेनिंग हो रही है इंडियंस की, उसकी पिक्चर्स हैं कुछ बच्चों को शो की थी मैंने, तो बच्चे उसके बारे में डिस्कशन करते हुए। वर्कशॉप, एक बच्चों की रीडिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए
कि कैसे स्टोरी राइटिंग होती है, कैसे स्टोरी को स्टार्ट किया जाता है, कैसे ख़त्म किया जाता है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। ये निकिता दास मैम आए थे तो बच्चों की काफ़ी इन्होंने स्टोरी टेलिंग पे एक्टिविटी इनको करवा के देखी और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो ये देखिए एक्टिविटी वहाँ पे करवा रहे हैं मैम और सभी बच्चे इसमें अपना पेन पेंसिल के साथ अपनी एक्टिविटी को डील करते हुए हर बच्चे ने एंजॉय किया। ये बच्चों को लर्न करने का मौका मिलता है, स्टोरी क्रिएशन के बारे में पता चलता है। बुक फेयर, बच्चों के लिए बुक फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें कि बच्चों ने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को परचेज़ किया उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो विशाली मैम जी ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। बच्चे ये हमारी बुक्स जो बुक फेयर में हमारे टाइटल्स लगाए गए थे वहाँ पे। कोरोना वायरस जो कि अभी प्रेजेंटली एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू जो चाइना के वुहान शहर से अकर हुआ है, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड राइट नाउ बिकॉज देर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस कोरोना वायरस। सो आई कवर अ टॉपिक इन माई लाइब्रेरी अबाउट दिस एंड आई टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द कोरोना वायरस, हाउ इट इज़ अकर्ड एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ अकर्ड। 21 दिसंबर 2019 को इसका फर्स्ट केस चाइना के वुहान शहर में हमारे सामने आया था जिसके लिए अभी वैक्सीन नहीं बनी है और चाइना में अप्रॉक्सीमेटली टिल डेट 2200 पीपल की इससे डेथ हो चुकी है और 75,000 से ज़्यादा लोग उसमें कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया कि आपको भीड़ वाली जगह पर जाना नहीं चाहिए और अदर ट्रीटमेंट जैसे अपने हाथ हर टाइम खाने से पहले सोप से अच्छी तरह एल्कोहलिक सोप से वॉश करने चाहिए और अवॉइड कीजिए कि जिसको कोल्ड या टेम्परेचर है तो उसके पास उसकी थिंग्स कोई वाटर बॉटल नैपकिन टिश्यू यूज़ करने से परहेज कीजिए और मास्क का यूज़ कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है और डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए अपने। इसके बारे में मैंने बच्चों को नॉलेज दी ताकि बच्चों को अवेयर रहें बच्चे। ये देखिए कोरोना वायरस का टॉपिक बोर्ड पे कवर करा हुआ है और बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में। ये देखिए कोरोना वायरस, ये बच्चे क्वेश्चन करते हुए मेरे से तो उनका रिप्लाई दे रहा हूँ कि कैसे ये अक्कर हुआ। बच्चे पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए तो उसके बारे में बताता हुआ। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्टिविटीज़ अब परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि अभी सभी बच्चों के एग्ज़ाम आ चुके हैं या आने वाले हैं या चल रहे हैं तो उसके लिए परीक्षा पे चर्चा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसमें मैंने बच्चों को मार्क्स स्कोर करने का तरीका बताया और उनको बताया कि आपको अवॉइड करना चाहिए इन डेज में बाहर से खाने से घर से खाना चाहिए क्योंकि इसकी हेल्थ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और एग्ज़ाम इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हमें मुश्किल लग रहे हैं उनको हमें लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, इजी क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए और जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हमें नहीं आता उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए अगर हमारे पास टाइम बचता है तो। और हमेशा पेपर सबमिट करने से पहले उसको एक थॉरली एक बार देखना चाहिए कि हमने सारे अटैम्प्ट कर लिए या नहीं किए हैं। वाटर बॉटल हमेशा पेपर में अपने साथ रखनी चाहिए एक, और रात को पूरे टाइमली नींद लेनी चाहिए ताकि आप मॉर्निंग एग्ज़ाम के टाइम फ्रेश फील करो। और उसके बाद हमें नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए कि पेपर मुश्किल तो नहीं होगा। हमें अपनी रिवीजन पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हमने सारा किया है और एग्ज़ाम हमारे अकॉर्डिंग ही होगा। तो बच्चों को ये चीज़ें समझानी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है एक, और बच्चों को बतानी चाहिए एग्ज़ाम से पहले एक बार। तो ये एक्टिविटी भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करी थी। तो दिस इज़ अ बच्चे मेरे से बच्चों इस एक्टिव ये एक एक्टिविटी थी ओपन एंडेड कन्वर्सेशन बेस्ड, इसमें बच्चों ने बच्चों को ही क्वेश्चंस के आंसर दिए, बच्चों ने बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर दिए। सो ये एक्टिविटीज़ आप अपनी लाइब्रेरीज में करवा सकते हो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। एक बार फिर से लास्ट में मेरी प्रोफाइल, ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप मुझे ईमेल करना चाहो। ये मेरी फेसबुक आईडी का लिंक है अगर आप मुझे फेसबुक के कांटेक्ट करना चाहो। ये मेरे स्कूल की प्रोफाइल है
जो कि होशियारपुर का सबसे बेस्ट स्कूल है जेम्स कैम्ब्रिज, और इसमें आपको एजुकेशन के साथ साथ हर तरह की एक्टिविटीज़ और हर तरह की अब्रॉड की जो गेम्स हैं, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, स्विमिंग, हर तरह की स्किल्स की डेवलपमेंट होएगी आपकी यहाँ पे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइब्रेरियन तो मैं हूँ ही आपकी स्किल्स को बेटर करने के लिए, जो कि हमेशा बच्चों को एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देने में फेस करता है। तो ये देखिए एक फटाफट व्यूज़, ये मेरी सारी एक्टिविटीज़ की टॉपिक स्किल्स, एक्रोनियम बेस्ड एक्टिविटी, हिंदी फिक्शन रीडिंग एक्टिविटी, नेशनल पार्क्स एक्टिविटी, जनरल नॉलेज एक्टिविटी, सर्चिंग वर्ड्स फ्रॉम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर एक्टिविटी, जूनियर क्रॉसवर्ड एक्टिविटी, मोटर व्हीकल एक्ट की बारे में इंफॉर्मेशन, चंद्रयान 2 बाय इसरो एक्टिविटी, स्टोरी टाइम की एक्टिविटी, बेनिफिट्स ऑफ योगा स्टूडेंट के लिए, हिंदी स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की एक्टिविटी, रैकलेस ड्राइविंग एक्टिविटी, टेबल मैनर्स के बारे में बताना हो, बुक क्लब्स ऑर्गेनाइज करना, चिल्ड्रन डे को ऑर्गेनाइज करना अपनी लाइब्रेरी में, करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, रीडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए वर्कशॉप लगाना बच्चों की, बुक फेयर ऑर्गेनाइज करना ताकि बच्चे पसंद की बुक्स ले सके, कोरोना वायरस लेटेस्ट एक्टिविटी के बारे में अवेयर करना, और लास्ट में परीक्षा पे चर्चा। सो होप कि आपको ये सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप देखोगे कि आपको लाइब्रेरी के रिलेटेड बहुत ही कम मटेरियल अवेलेबल होता है नेट पे या कहीं पे भी देखो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के लिए। तो मैंने एक ये ओवरव्यू दिया है कि आप लाइब्रेरी में किस बेसिस पे और किस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो एट लास्ट माई सेल्फ संदीप शर्मा, नाओ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, होप वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो दिस वन इज़ अ माई वेरी फैंटास्टिक वीडियो फॉर यू ऑल लाइब्रेरियंस एंड हु आर इंटरेस्टेड इन लाइब्रेरी एक्टिविटीज़। एक्चुअली ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाई है कि मैं जेड आई आई अवार्ड्स के लिए ह्यूमन मिनिस्ट्री HRD मिनिस्ट्री की तरफ से नॉमिन अवार्डी बना हूँ, तो उनको इनोवेशन की फाइल बना के भेजनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपकी जानकारी और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी इसको अपलोड कर लूँ ताकि आप सबको इन इस चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो अभी मैं लेटेस्ट एक वीडियो और डालूँगा जो मैं आफ्टर जब मुझे अवार्ड मिल जाएगा उसके बाद मैं वो डालूँगा। होप दैट वीडियो इज़ ऑल्सो टू मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। देन मीट यू सून, बाय, टेक केयर।